सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माई न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। कल के लिए हमारे क्या व्यूज़ रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशंस में और क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, मैं इस चैनल पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ। समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोज़ भी अपलोड करती हूँ और जब कोई भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पज़ में या फिर किसी स्टॉक को लेके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस वीडियोस मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको एक्सपायरी के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी वीडियो मिलेगा, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियोस जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस भी कम्युनिटी में मिलते रहेंगे और आपके कमेंट्स का आपको अर्ली रिप्लाई मिलेगा। तो ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ये सब आपको चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद ही मिल सकते हैं, तो इसलिए जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 11,162 के पास और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,782 के पास। सो मार्केट्स आर इंचिंग हायर एंड विद एवरी पासिंग डे एंड निफ्टी में फेस द नेक्स्ट हडल अराउंड 11,250 लेवल। सो अप मूव इन द बैंकिंग इंडेक्स इज नाउ हेल्पिंग द इंडेक्स टू सस्टेन एट द हायर लेवल्स वाइल अदर्स आर विटनेसिंग रोटेशनल बाइंग। सो ट्रेडर्स शुड मेंटेन देयर फोकस ऑन ट्रेड सिलेक्शन एंड पोजिशन मैनेजमेंट। सो मार्केट्स हेल्ड फॉर द एंटायर डे एंड ऑल्सो मैनेज टू क्लोज अराउंड द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। वाइल वी डोंट नॉट रूल आउट प्रॉफिट बुकिंग सेशंस, सो ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट कंटिन्यूज टू रिमेन बुलिश। हेंस इफ वी सी अ स्लिप इन द मार्केट्स इट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर एट लोअर लेवल्स टू सेल एट हायर लेवल। सो सपोर्ट फॉर द निफ्टी इज नाउ अपग्रेडेड एट 10,800 लेवल। सो देखिए आज मार्केट ने फिलहाल हायर साइड में क्लोजिंग दे दी है 11,150 के अबाव। तो यहाँ से अभी जो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट रहेगा, निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 11,250 का लेवल, क्योंकि आज निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 11,150 को होल्ड रखा हुआ है। तो अभी हम लोग पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, बाद में चार्ट एनालिसिस कर लेंगे। सो अभी मेरे सामने निफ्टी 50 की 23 जुलाई की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 11,162 के पास। सो अभी हम लोग कॉल साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कॉल साइड में अगर हम लोग देखें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो कॉल साइड में जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो है 27 लाख का, जो कि बना हुआ है 11,200 के लेवल के ऊपर। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 23 लाख का, जो कि बना हुआ है 11,500 के लेवल के ऊपर। वही कॉल साइड में अगर हम लोग देखें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग कहाँ पे हुई है, तो आज सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हमें देखने को मिली है 5,70,000 की, जो कि हुई है 11,500 के लेवल के ऊपर। वही इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इसके बाद में सेकेंड हाईएस्ट राइटिंग हुई है 4,37,000 की 11,400 और 500 के लेवल के ऊपर। तो कल ही हमने देखा था कि निफ्टी के अंदर कॉल साइड में अपसाइड में हमें ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग दिखाई दे रही थी, यानी कि लोगों को अभी ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है और 11,500 तक जा सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अपनी पोजीशन जो है वो 11,400-11,500 के ऊपर बनाई रखी हुई है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी के हडल की, रेजिस्टेंस की, तो अभी यहाँ से जो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 11,200 और 250 का जोन। अगर ये जोन पार होता है तो निफ्टी अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन के पास पड़ता हुआ हमें दिखाई देगा, जो कि है 11,400 और 500 के ऊपर। तो निफ्टी के लिए अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस रहेगा इस ऑप्शन डेटा से 11,200-250 जोन और उसके बाद में 11,400 और 500 जोन। वही पुट साइड में अगर हम लोग देखें
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है? तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो है 32,76,000 का और 32,64,000 का, जो कि बना हुआ है 11,000 और 10,800 के लेवल के ऊपर। वही पुट साइड में अगर हम लोग देखें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है, तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई है 11,100 और 11,000 के ऊपर, जो कि हुई है 21 लाख और 19 लाख की। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो पुट साइड में हमें एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है 11,100 और 11,000 के ऊपर। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो डाउन साइड के लिए जो मेजर सपोर्ट है वो अभी 10,800 बना हुआ है। तो निफ्टी के लिए पुट साइड में अगर हम लोग देखें तो बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग दिखाई दे रही है और ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपसाइड के लिए रहेगा। डाउन साइड के लिए 11,000 और 11,100 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। अगर ये जोन टूटता है तो डाउन साइड के लिए 10,800 तक निफ्टी जो है वो गिर सकता है। सो निफ्टी 50 के लिए हमने ऑप्शन डेटा से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स देख लिए हैं। तो अभी चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के। सो अभी मेरे सामने निफ्टी का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। सो निफ्टी कंटिन्यू विथ इट्स विनिंग स्ट्रीक फॉर येट अनदर डे। सो इंडेक्स पोस्टेड अ पॉजिटिव डेली क्लोज फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव सेशंस ऑन द वे अप। निफ्टी इज फॉर्मिंग रनअवे गैप्स ऑन द डेली चार्ट। सो रीसेंट वन दैट इज 11,113 एंड 11,037 विल एक्ट एज अ नियर टर्म सपोर्ट जोन फॉर एनी माइनर डिग्री डिप। सो गोइंग अहेड 11,250-280 विल बी द की लेवल ऑन द हायर साइड टू कीप अ टैब ऑन। सो यहाँ पे निफ्टी के लिए गैप जोन है वो अभी सपोर्ट का काम करेगा और जब तक इस गैप जोन के ऊपर निफ्टी चल रहा है तब तक निफ्टी के 11,250 और 300 के चांसेस जो है वो बने हुए हैं। वही आज अगर देखें हम लोग क्या हुआ है निफ्टी के अंदर। सो निफ्टी ने आज ओपनिंग की थी 11,126 के पास, इंट्राडे हाई किया था 11,179 के पास, इंट्राडे लो किया था 11,113 के पास और अभी फिलहाल क्लोजिंग दी है 11,162 के पास। सो देखिए यहाँ से आगे निफ्टी के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, ये अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो रहेगा 11,110 का लेवल। अगर ये लेवल टूटता है तो निफ्टी के अंदर हमें एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा जो निफ्टी को 11,030 की तरफ लेके जाएगा। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है निफ्टी 50 के लिए वो यहीं पे बना हुआ है। वही अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ से निफ्टी हमें 10,950 और 910 के अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास जाते हुए देख सकते हैं हम लोग। वही अगर 11,000 ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो निफ्टी के 10,800 के गिरने के चांसेस जो है वो बने हुए हैं। सो डाउन साइड के लिए निफ्टी के लिए फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स रहेंगे। वही अपसाइड की मैं अगर बात करूँ तो देखिए अपसाइड के लिए यहाँ से जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 11,180 का लेवल। अगर निफ्टी इस लेवल को पार कर लेता है और इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो निफ्टी हमें नेक्स्ट 11,250 के तरफ बढ़ते हुए फिर दिखाई देगा। फिर निफ्टी के लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है हडल है वो है 11,250 और 280 का जोन। सो ये निफ्टी के लिए अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें दिखाई देंगे। वही अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 11,250 निफ्टी क्लियर कर लेता है तो यहाँ से डेफिनेटली हम लोग निफ्टी को 11,400 और 500 के तरफ बढ़ते हुए फिर देख सकते हैं। सो ये निफ्टी 50 के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं जो आपको आपके चार्ट के ऊपर ज़रूर मार्क करने हैं ताकि आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल हो सके। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। सो अभी निफ्टी के लिए तो हमने देख लिया है तो चलिए चलते हैं अभी बैंक निफ्टी के ऊपर। अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है 23 जुलाई की एक्सपायरी की और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,782 के पास। देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन डेटा से निफ्टी बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे बना हुआ है। तो अभी कॉल साइड से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं।
तो निफ्टी बैंक के अंदर हमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी कहाँ पे दिखाई दे रहा है? कॉल साइड में. सो कॉल साइड में देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 8,34,000 का, जो कि बना हुआ है 23,000 के लेवल के ऊपर. तो आज निफ्टी बैंक ने 22,500 का लेवल जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होल्ड रखा हुआ है. तो यहाँ से जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी बैंक के लिए वो रहेगा 23,000 का लेवल. वही अगर हम लोग देखें सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 5,64,000 का, जो कि बना हुआ है 23,500 के ऊपर. वही कॉल साइड में अगर हम लोग देखें हाईएस्ट राइटिंग कहाँ पे हुई है, तो हाईएस्ट राइटिंग हमें दिखाई दे रही है 1,61,000 की और 1,58,000 की, जो कि हुई है 23,200 और 23,300 के ऊपर. तो यहाँ से अगर हम लोग देखें निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस की बात करें, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी बैंक के लिए 23,000 का लेवल. अगर ये लेवल पार होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा निफ्टी बैंक के लिए 23,300 से लेके 23,500 के बीच में. यहाँ पे निफ्टी बैंक को एक मेजर हर्डल है. अगर ये पार होता है तो निफ्टी बैंक के अंदर हम लोग 25,000 तक के लेवल्स फिर देख सकते हैं. सो निफ्टी बैंक के लिए ऑप्शन चेन डेटा से मैंने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल्स दिखा दिए हैं. अभी बात करते हैं सपोर्ट की. तो देखिए पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो है 7 लाख का, जो कि बना हुआ है 22,000 के लेवल के ऊपर. वही आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है पुट साइड में, तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई है 3,35,000 की, जो कि हुई है 22,500 के ऊपर. तो अगर हम लोग देखें निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि निफ्टी बैंक को क्या इंपॉर्टेंट है, 22,000 से लेके 22,500 के जोन के ऊपर ही टिकना क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तभी यहां से हम लोग डेफिनेटली निफ्टी बैंक को 24,000 के पास बढ़ते हुए फिर देख सकते हैं. सो निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट यही इंपॉर्टेंट है, 22,500 और 22,000 का लेवल. अगर फिर से 22,000 टूटता है तो हमें फिर से 21,000 तक के लेवल्स जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर फिर देखने को मिल सकते हैं. सो निफ्टी बैंक के लिए ऑप्शन चेन डेटा से मैंने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आपको बता दिए हैं. सो अभी बात करते हैं चार्ट के ऊपर. सो अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और निफ्टी बैंक की आज की क्लोजिंग आई है 22,782 के पास, और निफ्टी बैंक ने डेली चार्ट के ऊपर एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है, एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म की है. सो अगर हम लोग देखें आज निफ्टी बैंक के अंदर हमें क्या देखने को मिला, निफ्टी बैंक ने आज ओपनिंग की थी 22,639 के पास, इंट्राडे हाई किया था 22,861 के पास, इंट्राडे लो किया था 22,597 के पास, और अभी फिलहाल क्लोजिंग दी है 22,782 के पास. सो अभी अगर हम लोग देखें नेक्स्ट सेशन के लिए निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे, तो यहाँ से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा निफ्टी बैंक के लिए वो रहेगा 22,650 और 500 का लेवल. ये निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा. अगर ये लेवल टूटेगा तो निफ्टी बैंक हमें 22,300 और 22,050 के तरफ फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है. फिर डाउनसाइड के लिए निफ्टी बैंक के लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स है. वही अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो देखिए अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 22,850 का लेवल. इसके बाद में जो सेकेंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 23,050 का लेवल. अगर निफ्टी बैंक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 22,850 को पार कर लेता है तो आगे आने वाले 1 से 2 सेशन में निफ्टी बैंक हमें 23,500 तक के लेवल्स जो है वो दिखा सकता है. बट इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक को 22,000 और 22,500 के सपोर्ट जोन के ऊपर ही टिके रहना, तभी यहाँ से अपसाइड के लिए हम लोग अच्छे खासे लेवल्स जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर देख सकते हैं. सो निफ्टी बैंक के लिए मैंने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आपको बता दिए हैं. आप प्लीज़ अपने चार्ट के ऊपर ये सब लेवल्स जो है वो मार्क कीजिएगा, ताकि आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल हो सके. और अगर हम लोग देखें आज निफ्टी बैंक ने 22,861 का हाई किया था, तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 850 का लेवल ये अभी इम्पोर्टेंट है. अगर ये लेवल पार होता है
तो डेफिनेटली हम लोग 23,500 के तरफ निफ्टी बैंक को बढ़ते हुए देख सकते हैं। वही लो की बात करें तो 22,597 का लो था। यहाँ से मतलब है कि निफ्टी बैंक फिलहाल 22,500 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। आज निफ्टी बैंक ने उसके नीचे गया ही नहीं, इसके ऊपर ही स्टेबल हुआ, तो ये एक अच्छा साइन माना जाएगा निफ्टी बैंक के लिए आने वाले कुछ सेशंस के लिए। सो देखिए, निफ्टी बैंक के लिए मैंने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं। सो अभी आज के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। जिनको भी ये वीडियो यूज़फुल है उन सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वही अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।